नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। कर्नाटक से सामने आ रहे कथित हिजाब मामले के विवादित वीडियो ने कर्नाटक सरकार की खोली पोल। कर्नाटक के उडुपी से हिजाब पहनने को लेकर शुरू हुआ विवाद अब कर्नाटक के कई कॉलेजों में फैल चुका है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में हिजाब पहने एक छात्रा को कर्नाटक के कॉलेज में भगवा स्कार्फ पहने कई लड़के घेर लेते हैं और नारेबाजी करते हैं। हालांकि बड़ी संख्या में आए लड़कों के बीच अकेली लड़की होने के बाद भी वह लड़की निडरता से भीड़ के बीच में से अपने कॉलेज के अंदर तक पहुंच जाती है। वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़कों का एक ग्रुप जय श्री राम के नारे लगाते हुए लड़की की ओर बढ़ता है, जिसके बाद लड़की अल्लाहू अकबर के नारे लगाती है। इस बीच कॉलेज में मौजूद कुछ लोग मौके पर पहुँचते हैं और मामले को शांत करवाने की कोशिश करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उक्त वीडियो मांडिया की प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज का बताया जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि छात्रा अपने स्कूटर को पहले पार्क करती है और इसके बाद कॉलेज परिसर की ओर बढ़ती है। इतने में ही भगवा स्कार्फ पहने कई छात्र उसके नज़दीक पहुंच जाते हैं। इस वीडियो के अलावा भी इसी विवाह से जुड़े कुछ और वीडियो सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रहे हैं। इन सभी वीडियो में दिखाई देने वाले लड़कों में से अधिकतर लड़कों की उम्र काफ़ी कम है, जिनके बावजूद इन लड़कों में इस तरह की नफरत का बीज किसने बोया, यह सवाल बड़ा है। साथ ही वायरल होते इन वीडियो ने कर्नाटक सरकार के लॉ एंड ऑर्डर की पोल भी खोल कर रख दी है। वहीं इस लड़की के वायरल होते वीडियो पर असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सैफ न्यूज़ लाइव। जवानों का हुजूम इस नफरत बुरका पहनी हुई बच्ची को डराने के लिए दौड़ता है। मैं सलाम करता हूं और इस बेटी की बहादुरी को, मैं सलाम करता हूं उस बच्ची के माँ बाप को जिसने उस बच्ची को इतना बहादुर बनाया। ये आसान काम नहीं। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु